कोई नंबर है उसके डेसिमल नंबर है उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर प्रिंट करना है, तो पहले हम डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देख लेते हैं। तो डेसिमल नंबर क्या होता है, जैसे हमने एक नंबर लिया रामानुज आरडी नंबर 1729, तो 1729 क्या है, तो 1729 को इस तरह से देख सकते हैं, 1729 में लेफ्ट साइड में 9 है, इसको 10th पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दें, बाद में सेकंड नंबर 2 है उसको 10th पावर 1 से कर दें, बाद वाला नंबर 7 है उसको 10th पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और बाद वाला 1 है उसको 10th पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 की बढ़ती हुई घात के रूप में इनको लेफ्ट टू राइट बाएं से दाएं जाते हुए मल्टीप्लाई करते जाएं और फिर सबको जोड़ दें तो वो नंबर बन जाता है। ये डेसिमल नंबर की पहचान होती है। तो इसी तरह इनको कलर्स के साथ देखें, तो जैसे पहला नंबर रेड नंबर लिख दिया, दूसरा ग्रीन में लिख दिया, तीसरा पिंक में लिख दिया, चौथा ऑरेंज में लिख दिया, और इस तरह से हम समझ सकते हैं। बाद में डेसिमल नंबर है उनको देखें, तो उनका बेस 10 होता है, मतलब 0 to 9, उसके बाद में 10 आता है, उसके बाद में 11 एंड सो ऑन चलता है, और इसमें जो राइट मोस्ट नंबर होता है, जो दाई तरफ जो नंबर है उसमें 10 की पावर बढ़ाते जाएं तो पूरा नंबर बन जाता है। इसी तरह से हम बेस 2 की बात करें, बेस 2 मतलब 0 1, उसके बाद में अगला नंबर 10 हो जाएगा, तो उसको भी इसी तरह समझें, तो जैसे पिछली बार 10 तो 10 की घात बढ़ाते जा रहे थे, उसी तरह से इस बार 2 की घात बढ़ाते जाएंगे और हम नंबर बना लेंगे, और इस तरह से हम ओपोजिटली कर सकते हैं कि जैसे 25 है तो 25 को हम 12 टाइम्स 2 लिख प्लस 1 लिख सकते हैं, रिमाइंडर 1 उसको लिख लिया, बाद में जो भागफल 12 मिला था उसमें उसको 6 टाइम्स 2 प्लस 0 लिख सकते हैं, और जो भी भागफल आ रहा है उसको दाईं तरफ लिखते जाएं, और फिर उनको जो सबसे पहला भागफल आया था उसको राइट साइड में, सबके राइट साइड में, और सबके बाद वाला जो शेष फल आया था उसको सबके लेफ्ट साइड में लिख दें। यहाँ देखें 25 है उसको हमने लिखा 12 टाइम्स 2 प्लस 1, मतलब इस 25 में 2 का भाग देने पर 12 बार भाग गया और एक शेष पल आ गया, शेष पल को हमने सबसे राइट में लिख लिया, उसके बाद में जो भाग पल था 12 उसमें 2 का भाग दिया, 6 बार भाग गया, 0 शेष पल बचा, उसको 0 को बाद में सेकंड नंबर पे राइट साइड से मतलब दाई तरफ से दूसरे नंबर पर लिख लिया, बाद में 6 में 2 का भाग दिया तो 3 बार भाग पल और 3 भागफल और 0 शेष शून्य शेष फल तो वो लिख लिया, उसके बाद में 3 में 2 का भाग दिया तो 1 भागफल और 1 शेष फल वो 1 लिख लिया, बाद में 1 में 2 का भाग दिया तो 0 भागफल और 1 शेष फल 1 शेष फल लिख लिया, आगे भागफल और शेष फल दोनों 0 रहेंगे तो वो लेफ्ट साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वही तरीका पहले वाला 10 बेस वाला था, उसे 2 बेस वाला रहेगा। इसके लिए अब हम कन्वर्जन की बात करें, तो एक पहले बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो एक बाइनरी नंबर को रीड किया, एक जैसे बीनम नाम से एक वेरिएबल बाइनरी नंबर बीनम नाम से वेरिएबल रीड कर लिया, एक डेसिमल नंबर डीनम नाम से लिया और उसकी वैल्यू 0 सेट कर दी, 0 कर दी, एक फैक्टर नाम का एक नया वेरिएबल काम में लिया जिसको 1 सेट कर दिया, उसको 1 कर दिया है, ये क्यों किया है ये आगे समझ में आएगा। वाइल बीनम इज नॉट इक्वल टू 0, बीनम की वैल्यू जब तक 0 नहीं होती तब तक ये लूप चलता रहे, असाइन रिमाइंडर ऑफ बीनम बाय 10 टू REM, REM नाम से एक वेरिएबल लिया है उसको बीनम में 10 का भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है वो असाइन कर दिया। यहाँ 10 का भाग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो वे ऑफ राइटिंग है वो कंप्यूटर में डेसिमल नंबर के रूप में लिख रहा हूँ, अन्यथा बाइनरी नंबर में 2 का भाग देना होता है। जो रिमाइंडर की वैल्यू आती है उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करके डीनम में ऐड कर दो। फैक्टर से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि जो भी नेक्स्ट नंबर आएगा उसको लेफ्ट साइड में ऐड करना है,
और फैक्टर की वैल्यू प्रेजेंटली वन है, तो सबसे पहला नंबर राइट साइड में ऐड होगा, बाद वाले नंबर लेफ्ट साइड में ऐड करने हैं, और बाद में बी नम है उसको 10 से डिवाइड कर दो, मतलब लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है उसको हटा दो, और फैक्टर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और बाद में डी एन नम को प्रिंट कर दो। यदि फ्लो चार्ट बनाएं तो सिंपली जैसे एल्गोरिथम वैसा ही फ्लो चार्ट, रीड बी नम, डी नम इक्वल टू 0, फैक्टर इक्वल टू 1, बी नम इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू है तो रिमाइंडर इक्वल टू रैम बी नम बाई 10, बी नम में 10 का भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है वो प्रिंट दे दो, डी नम इक्वल टू डी नम प्लस रैम स्टार फैक्टर कर दो, फैक्टर इक्वल टू फैक्टर स्टार 2, और कंडीशन यदि फॉल्स हो जाती है तो डी नम को प्रिंट कर दो, प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। अब इसी फ्लो चार्ट से यदि प्रोग्राम के पार्ट्स को समझें तो बी नम रीड करने के लिए इसी प्रोग्रामिंग लिखते हैं स्कैन एफ, असाइनमेंट ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है, कंडीशन यहाँ ये रिपीटेटिव कंडीशन है इसलिए वाहिल बी नम नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू होती है तो जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं उनको उस तरह से, रिमाइंडर के लिए परसेंटेज काम में लेते हैं इसी प्रोग्रामिंग में, और उसके बाद में जो प्रिंट स्टेटमेंट है डीनम उसको प्रिंट एफ में, सी प्रोग्राम में प्रिंट एफ में कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज डी के साथ में लिख दिया। उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रोग्राम लिख, ये पूरा प्रोग्राम एक साथ लिखते हैं, तो ये प्रोग्राम हो गया जिसमें बाय स्टीडियो एस टी डी आई ओ डॉट एच एड्रेस फाइल इंक्लूड किया है, इंटीजर के रूप में बीनम डीनम बीनम को डिक्लेयर किया, डीनम को डिक्लेयर किया और वैल्यू 0 कर दिया, फैक्टर को डिक्लेयर करके वैल्यू 1 कर दी, बाद में बीनम को रीड कर लिया, बीनम पे कंडीशन लगा दी, यदि जब तक ये 0 नहीं हो जाता तब तक डीनम इक्वल टू बीन जो बाइनरी नंबर है उसका 10 के साथ रिमाइंडर लेके जो फैक्टर से मल्टीप्लाई करके डीनम में ऐड कर दें, जो बाइनरी नंबर है उसको 10 से डिवाइड कर दें, फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और लूप ख़त्म होने के बाद डेसिमल नंबर जो बनता है उसको प्रिंट कर दें। इसका ये एक ऑपोजिट सा काम है, बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर कुछ एक चेंजेस कर रहे हैं हम, जो एक तो बी यहाँ शुरुआत में बीनम को डिक्लेयर किया था उसकी जगह डेसिमल टू बाइनरी करने पर बीनम को 0 डिक्लेयर करेंगे, डीनम को रीड पिछली बार बीनम बी बाइनरी नंबर को किया था उसकी जगह डेसिमल नंबर को रीड करेंगे, और पिछली बार कंडीशन बाइनरी नंबर पर लगाई थी वो डेसिमल नंबर पर लगाएंगे, और यहाँ फैक्टर जो काम में लिया था उस समय 10 से डिवाइड किया था, इस बार जो रिमाइंडर लेंगे वो 2 के साथ लेंगे क्योंकि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फैक्टर डीनम को डिवाइड पिछली बार 10 से किया था बीनम को, इस बार डीनम को 2 से डिवाइड करेंगे, और फैक्टर है वो पिछली बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे इस बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीनम को प्रिंट कर देंगे। अपना कंप्यूटर कितना फास्ट है ये चेक करने का एक इजी सा तरीका। नॉर्मली कंप्यूटर इतना फास्ट होता है कि हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको प्रिंट कर रहे हैं तो हम पलक नहीं झपकते उससे पहले उसका आउटपुट अपने सामने होता है, लेकिन सब कुछ इतना फास्ट होता है इसको मेजर करने के कई टूल्स हैं, कई सी प्रोग्रामिंग में भी कई तरीके हैं जिनसे वो टाइम मेजर करके बता देता है कि इतना टाइम आपके प्रोग्राम को लगा रन होने में, लेकिन सिंपली हम ऐसे टूल्स को सीखें उससे पहले क्या चेक कर सकते हैं, तो यस हम कुछ आइडिया ले सकते हैं, कुछ अनुमान लगा सकते हैं, और वो अनुमान क्या है तो उसके लिए एक प्रोग्राम लिखना है, कुछ वेरिएबल्स प्रिंट करने हैं, जो कुछ प्रिंट करना है वो किस तरह से प्रिंट करना है, तो वो है एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखें उसमें एक बहुत बड़ी लूपिंग लगा देते हैं जिसको लूपिंग में बहुत टाइम लगे ऐसा कुछ लगा देते हैं, उसमें से कुछ एक नंबर प्रिंट कर लेते हैं, तो उसके लिए हम एक व्हाइल लूप लगाते हैं जो 0 से 1 बिलियन तक चले, 1 बिलियन मतलब ये लगभग 1 अरब हो गया, मतलब ये हो गया कई 2.5 सैकड़ों 1,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब,
एक अरब, 1 बिलियन मतलब 1 अरब बार ये चलेगा। मिलियन मतलब 10 लाख होता है, बिलियन मतलब 1 अरब। तो 1 अरब बार लूप चलेगा और हर 10 करोड़वें नंबर को वो प्रिंट करेगा, ऐसा एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो जब वो 10 करोड़ लूपिंग कर लेगा, उसके बाद वो एक प्रिंट स्टेटमेंट देगा, बाद में 10 करोड़ प्रिंट लूपिंग करते ही फिर प्रिंट स्टेटमेंट देगा, तो हमें इतना एक अनुमान हो जाएगा कि 10 करोड़ लूपिंग वो कितने टाइम में करेगा। प्रोग्राम लिखे हैं तो प्रोग्राम में सिंपल प्रोग्राम है, एडर फाइल इंक्लूड की, मेन फंक्शन के अंदर काउंट काउंट नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू 1 कर दी, कंडीशन लगा दी काउंट की वैल्यू 1 बिलियन मतलब 1 अरब से कम है तब तक ये लूप चले, और फिर काउंट में यदि 10 करोड़ का भाग जाता है तो ये काउंट को प्रिंट कर दे, काउंट की वैल्यू एक एक इंक्रीज कर रहे हैं। इसको जब रन कर कंपाइल करेंगे बाद में जब रन करेंगे तो रन करने पर ये हमें अपनी स्पीड बता देगा। हम रन करके देख लेते हैं तो हम प्रोग्राम लिखते हैं ये प्रोग्राम लिख लिया हमने स्पीड डॉट सी से, जिसमें जैसा दिखाया था थोड़ी देर पहले वैसा ही प्रोग्राम है। काउंट पे कंडीशन है, यहाँ थोड़ी सी चेंज कर दी है, कंडीशन लेस देन इक्वल टू कर दी है, और काउंट अब इसको हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जीसीसी माइनस ओ स्पीड स्पीड डॉट सी, एंटर, ये हो गया कंपाइल। रन करते हैं तो रन करने पर ये इतना धीरे चल रहा है, लगभग इसको 3-4 सेकंड का टाइम ये 10 नंबर प्रिंट करने में लग गया, मतलब 1 करोड़ नंबर 1 अरब नंबर की सिर्फ लूपिंग में इसको 3 या 4 सेकंड का टाइम लग रहा है, मतलब 1 सेकंड में ये लगभग 30 करोड़ लूपिंग कर रहा है। सिर्फ लूपिंग अकाउंट स्टेटमेंट दिया था, यदि स्टेटमेंट्स ज़्यादा देंगे तो इसको लूपिंग में कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा, कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा।